नमस्कार मित्रों, हूँ વાળા ભાવના લોકસભાના ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર અમદાવાદથી અમારા રિપોર્ટર યજ્ઞેશ ગોસ્વામી સાથે. અમદાવાદ આગામી 5 દિવસને લઈ હવામાન વિભાગની આગાહી. 5 દિવસ વરસાદની શક્યતા નહીવત. મહત્તમ તાપમાનમાં વધારો નહીં થાય. 41 ડિગ્રીની આસપાસ તાપમાન રહેશે. હાલ કોઈ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય નથી. હાલ દક્ષિણ દિશાથી વાદળ આવી રહ્યા છે, જેનાથી એક જ જગ્યાએ છૂટોછવાયો ક્યાંક વરસાદ પડી શકે. હાલમાં પશ્ચિમ તરફથી આવી રહેલા પવનોને કારણે ભેજ વધી રહ્યો છે. अगले 5 દિન મે પૂરા ગુજરાત મે વેધર મોસ્ટલી ડ્રાય હોને કા સંભાવના હે, બારિશ હોને કા જ્યાદા સંભાવના નહીં હે. और टेम्परेचर देखा जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है यानी डे टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस होने का कोई संभावना नहीं है. जैसे अभी अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे 41 डिग्री सेल्सियस अराउंड रियलाइज हो रहा है, अगले 5 दिन में भी ऐसे ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. मतलब कोई अलर्ट वलर्ट दिया गया है अभी? अलर्ट मतलब हीट वेव वार्निंग कोई नहीं है गुजरात स्टेट के लिए, लेकिन हीट एक्शन प्लान के अंदर में गुजरात अहमदाबाद के लिए अगले 5 दिन में येलो अलर्ट दिया गया है. अभी राज्य में बादल भी है, बारिश की कहीं पे शक्यता है? क्योंकि एक आध दो जगह पे बारिश भी कल हुई थी. अभी जो चल रहा है अभी ऐसे बारिश देने का कोई सिस्टम अभी एक्टिव नहीं है गुजरात में. कल भी मैंने आपको ब्रीफ किया था कि लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो सकता है, यानी अभी वेस्टर्ली विंड है पूरे गुजरात में. वेस्ट यानी दक्षिण से हवा आ रही है अरबियन सी होके, उसमें से मॉइस्चर लेके आ रहा है और लैंड में काफ़ी गर्मी है, उसके कारण से बादल बन रहा है. और कहीं एक हर जगह में वो लोकली वेरी लोकलाइज फिनोमेना होने का संभावना है, हो भी सकता है. इसके लिए हमने नाउकास्ट इशू कर रहे हैं. तो चौथा रहो लोकसभा न्यूज़ फॉर इमरजेंसी समाचार साथ है.